कहानी है एक जादुई दुनिया की, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक योद्धा जंगलों से भाग रहा था। इस योद्धा का नाम अल्योशा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक क्वीन आती है और वो अल्योशा इस योद्धा को पकड़ लेती है और उसे एक झटके में पत्थर का बना देती है। जिसके बाद हम अल्योशा के घोड़े को देखते हैं, जो कि असल में एक बुजुर्ग विजर्ड होता है, जो उस जादूगरनी से डरते हुए सीधा पानी में कूद कर अपनी जान बचा लेता है, जिसके बाद वो उसे पानी में फेंक देती है। और यहाँ पानी में हम देखते हैं कि अल्योशा जैसे कई और महान योद्धाओं को उसने पत्थर का बनाकर फेंक दिया था। अब कुछ समय के बाद हम इंसानों की दुनिया यानी अर्थ पे आज के समय में देखते हैं, जहाँ पे इवान नाम का एक रशियन लड़का होता है, जो कि छोटी मोटी चोरियां या नकली चीजें और लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाया करता था। जैसे कि एक दिन वो एक औरत को कहता है, तुम्हारे पति ने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन मेरे मंत्रों के कारण तुम्हारा पति तुमसे वापस से प्यार करने लगेगा। और वो औरत उसे काफी सारे पैसे देकर उससे मंत्र ले लेती है, लेकिन वो जादू का सिर्फ नाटक करता था। इसी दरमियान हमें पता चलता है कि इवान एक अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ था। एक दिन कुछ बच्चों ने उसे एक क्लोजेट में जानबूझकर बंद कर दिया था, और तभी इवान एक नीडल की मदद से उस क्लोजेट के दरवाजे को खोलकर बाहर आ गया था। और तब से इवान ने उस नीडल को एज अपना नेकलेस बनाकर अपने पास रखा था। अब ऐसे ही इवान की जिंदगी चल रही थी, तभी उसे एक दिन वही आदमी मिल जिसके पत्नी को इवान ने झूठ कहकर पैसे लिए थे, और वो इवान को मारने के लिए आता है। और उससे बचने के लिए इवान एक वाटर स्लाइड में चला जाता है, लेकिन जैसे ही यह स्लाइड से नीचे आता है तो वो एक अलग ही दुनिया में आ गया था। दरअसल ये वही जादुई दुनिया थी जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखी थी। और तभी वहाँ पे वही बुजुर्ग विजर्ड आ जाता है, जो इवान से कहता है कि तुम अब अपने इंसानों की दुनिया में नहीं हो, एक दूसरे दुनिया में आए हो। तुम लाया मॉर्नमेंट नाम के एक योद्धा के बेटे हो, लेकिन जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारी जान को काफी खतरा था, इसीलिए मैंने ही तुम्हें इस दुनिया से दूसरे दुनिया यानी इंसानों की दुनिया में डाल दिया था। और अपनी बात साबित करने के लिए वो विजर्ड इवान को उसके पिता की एक रिंग देता है, लेकिन तभी अचानक से एक तीर आकर उस विजर्ड को लगता है और उनकी मौत होती है। इसके बाद एक सोल्जर आकर इवान को भी पकड़ते हैं और इस जादुई जगह के राजा डोब्रान के पास लेकर जाते हैं। यहाँ समझ आता है कि राजा डोब्रान दरअसल इवान का चाचा है। जब डोब्रान इवान के हाथ में डोब्रान के ही भाई यानी लाया की वही रिंग देखता है, तो समझ जाता है कि ये उसका भतीजा है, और वो उसे छोड़ देता है। लेकिन फिर राजा कुछ समय के लिए वहां से चले जाता है, और वहां पे उसकी पत्नी आ जाती है, और पता चलता है ये वही जादूगरनी थी जिसने स्टार्टिंग में अल्योशा को मारा था। और राजा के जाने के बाद वो सीधा इवान को कैद खाने में डाल देती है। अब यहाँ पे इवान बहुत ही कंफ्यूज था कि हो क्या रहा है। तभी जेल में उसकी मुलाकात कोशिची नाम के एक दूसरे विजर्ड से होती है। कोशिची को सजा के तौर पर उसके शरीर के टुकड़े अलग अलग करके बर्फ में रखा होता है। अब यहाँ पे इवान बातों बातों में सारी सच्चाई बता देता है कि वो कौन है, यहाँ पे कैसे आया। लेकिन ये सुनते ही कोशिची उससे अच्छे से बात करने लगता है, तो इवान उनसे पूछता है कि यहाँ से कोई तरीका है कि मैं अपने दुनिया में वापस जा सकूं। तो कोशिची कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें एक जादुई तलवार की जरूरत होगी, जो मैं तुम्हें लाकर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और इवान भी हाँ कहता है, और वो बताता है कि ये जो जादुई तलवार है वो काफी महान जादूगर के पास थी। वो जादूगर इस तलवार में क्रिस्टल डालकर हमेशा के लिए अमर बनना चाहता था, लेकिन मैंने उस जादूगर को हरा दिया था और उसे मार कर ये तलवार मैंने खुद के पास रख ली थी, और इसीलिए मैं अमर बन गया था। और यहाँ पता चलता है कि उसके शरीर के टुकड़ों के बावजूद इसीलिए वो अभी भी जिंदा था। वो आगे बताता है कि तलवार के इस्तेमाल से जो भी अमर बनता था उस इंसान की आत्मा क्रिस्टल में चली जाती थी, पर अगर क्रिस्टल को तोड़ दिया गया तो उस आदमी की मौत हो जाएगी। आगे वो कहता है कि वो तलवार मेरे पास ही थी, लेकिन अचानक से इस राजा के वॉरियर्स आए और मुझे हरा कर उन्होंने क्रिस्टल को तलवार से अलग कर दिया था। इतना ही नहीं, तुम्हारे पिता लाया ने वो तलवार कहीं पे छुपा दी थी, जबकि उसके भाई डोब्रान उस क्रिस्टल की रक्षा कर रहा है। तुम्हें अगर बाहर जाना है तो वो तलवार हमें ढूंढनी ही होगी। दरअसल यहाँ पे वो इवान से झूठ कह रहा होता है, वो तलवार दरअसल उसे चाहिए होती है। लेकिन इसी बीच में वहाँ पे एक गार्ड बाबा यागा नाम की एक जादूगरनी को बंद कर देता है। लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ पे एक दूसरी लड़की आ जाती है जिसका नाम विसिलीना था, और यहाँ समझ आता है कि विसिलीना बाबा यागा के बैग में एक मेंढक के रूप में छुपी हुई थी। अब विसिलीना बाबा यागा को आजाद करती है, जिसके बाद ये दोनों भी कोशिची के शरीर के हिस्सों को बर्फ से बाहर निकाल कर जोड़ते हैं।
और यहाँ पता चलता है ये दोनों भी कोशिची के लिए ही काम करते हैं। अब कोशिची इन दोनों को भी इवान के बारे में बताता है और इवान को भी आज़ाद किया जाता है, क्योंकि कोशिची को इवान की आगे चलकर ज़रूरत पड़ने वाली थी। लेकिन तब तक गार्ड्स को इन सारी चीज़ों की भनक पड़ जाती है और इनके पीछे गार्ड लगते हैं और छुपते हुए ये लोग एक जादुई झोपड़ी में जाते हैं। ये बाबा यागा का घर था जो अपने पैरों से चल फिर सकता था और उसमें बैठकर ये लोग भाग जाते हैं। वही जो जादुई क्वीन होती है उसे इनके भागने के बारे में पता चलता है और वो एक आउल के रूप में इनका पीछा करने लगती है। लेकिन तभी बाबा याका को ये बात समझ आती है और वो उस क्वीन के ऊपर हमला कर उसे घायल कर देती है। इसके बाद ये चारों लोग वहाँ से निकल जाते हैं। ये चारों भी जंगल में आराम कर रहे होते हैं और इवान घर के अंदर कुछ हरकतें कर रहा था जिसके कारण घर के अंदर आग लग जाती है और उसी कारण से उनका घर वहाँ से भाग जाता है। ये देख बाबा याका बहुत ही गुस्सा होती है और उसे मारने के लिए जाती है। लेकिन तभी कोशिची बाबा याका को रोकता और कहता है कि हमें अगर तलवार चाहिए तो इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये लाया का बेटा है। अब ये सुनते ही बाबा याका पीछे हट जाती है, जिसके बाद ये चारों अपना सफर शुरू करते हैं। अब यहाँ इस जादुई दुनिया में भी इवान के फोन की बैटरी अभी भी चल रही थी और वो अपने सफर के दौरान इन सब की तस्वीरें भी लेने लगता है। थोड़े समय के बाद ये लोग एक झील के पास पहुंचते हैं जहाँ पे एक मरमैन यानी मेल मरमेड रहता है जो इनकी मदद कर सकता था ये झील पार करने के लिए, और इसीलिए विसेलिना उस मरमेड से जाकर बात करती है। लेकिन तभी मरमेड का एक दोस्त जो कि लॉबस्टर होता है वो आकर कहता है ये लड़की नहीं ये तो एक मेंढक है, जो सुनकर मरमैन इनकी मदद करने से मना करता है। लेकिन तभी बाबा यागा जादू से एक खूबसूरत लड़की का रूप लेकर आती है और उसकी खूबसूरती को देखते हुए मरमैन इनकी मदद करने के लिए मान जाता है और उस पे बैठकर ये लोग दूसरी तरफ जाने लगते हैं। थोड़े समय के बाद वहाँ पे क्वीन आती है और उस लॉबस्टर से उसे पता चलता है कि चारों भी मरमैन के साथ गए हैं। इसके बाद वो क्वीन हवा में एक तीर चलाती है जो जाकर महल के एक सोल्जर को लगता है, जिससे वो क्वीन उस सोल्जर के शरीर में घुसकर अपने पति डोब्रान को बताती है इस झील का मरमैन अब कोशाची के साथ मिल गया है। इधर ये चारों लोग एक गुफा में पहुंचते हैं जहाँ पे एक फीमेल मॉन्स्टर सो रही होती है और ये लोग बिना आवाज किए वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी इवान के फोन का अलार्म बजने लगता है जिससे कि वो मॉन्स्टर की नींद खुलती है और वो सब पर हमला करने लगती है। लेकिन तभी इवान को एक आइडिया आता है और वो अपने फोन में गाना बजाकर डांस करने लगता है, जिसे देखकर मॉन्स्टर भी डांस करने लगता है, जिसका फायदा उठाकर ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। पर आगे जाकर इन्हें एक नदी मिलती है जिसमें काफी जहरीले मछलियाँ होती हैं। अब यहाँ पे मरमैन उन मछलियों से बात करने के लिए नदी में जाता है, लेकिन वो मछलियाँ उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि अगर पानी में जाते तो वो जहरीली मछलियाँ इनके ऊपर हमला करती। अब इस बात के कारण विसेलिना बहुत ही ज्यादा उदास होती है क्योंकि उसे कैसे भी वो तलवार चाहिए थी। इसीलिए इवान कोशाची से पूछता है कि विसेलिना इतनी उदास क्यों हो गई है। तभी कोशाची बताते हैं काफी सालों पहले डोब्रान को विसेलिना काफी पसंद आ गई थी, जिसके कारण जो अभी की जादुई क्वीन है उसने विसेलिना और उसके परिवार को हमेशा के लिए मेंढक में बदल दिया था। विसेलिना बाबा यागा के जादू से वापस इंसान बन गई, लेकिन उसके परिवार वालों को इंसान बनाने के लिए तलवार की जरूरत पड़ेगी। अब ये सुनकर इवान को काफी बुरा लगता है और विसेलिना का मूड ठीक करने के लिए इवान उसके पास खरगोश लेकर आता है, लेकिन ये खरगोश असल में वही जादुई क्वीन थी। और तभी अचानक से वहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स आते हैं जिन्हें देखकर ये लोग एक कुएं में जंप मारते हैं और उसे बाहर से बंद कर देते हैं। इन्हें पता चलता है कि उस कुएं से एक रास्ता है जिसके जरिए ये लोग नदी के दूसरी तरफ जा सकते हैं और इसीलिए मरमैन कुएं का सारा पानी पी जाता है और बाकी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो यह दूसरी जगह रात में ये लोग एक जगह आकर रुकते हैं और बातों ही बातों में इवान विसेलिना को अपने नीडल का नेकलेस दिखाकर उसे ही वो देता है और वो दोनों भी किस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी मेंढक की आवाज से लोग रुक जाते हैं। वही अगले सुबह वो क्वीन इनके लोकेशन पे पहुंचकर इनके ऊपर हमला करती है, जिनसे लड़ते हुए विसेलिना एक नदी में गिर जाती है। लेकिन इवान का दिया हुआ नीडल का नेकलेस एक जगह पे अटक जाता है और वो गिरने से बचती है। इसके बाद विसेलिना की मेंढक की आवाज सुनकर इवान समझ जाता है कि वो अभी भी जिंदा है। अब यहाँ पे क्वीन इन सबको पकड़ कर एक जगह पर लेकर आती है जहाँ पे काफी सारे तलवारें थी। दरअसल उसे भी वही तलवार चाहिए थी, लेकिन इवान वहाँ से भागने की कोशिश करता है और क्वीन से लड़ने के लिए
इवान जमीन पर से एक लकड़ी उठाता है और तब भी वो लकड़ी एक तलवार का रूप ले लेती है, यानी ये वही जादुई तलवार थी। अब क्वीन के हमले से बचते हुए वो जाकर ये तलवार कोशिची को दे देता है, ये सोचकर कि वो उसके मदद करेगा। लेकिन यहाँ पता चलता है कोशिची तो डोबरान से ही मिला हुआ है और वो इवान का फायदा उठाकर उस तलवार को बस ढूंढना चाहते थे। कोशिची ने सिर्फ इवान का ही नहीं बल्कि बाबा यागा का भी इस्तेमाल किया था, ये देखकर वो काफी गुस्सा हो जाती है। लेकिन डोबरान भी कोशिची को धोखा दे देता है और उसे नकली क्रिस्टल देता है। लेकिन तभी वहाँ विसलिन अपने असली रूप में आ जाती है और डोबरान को मारकर वहाँ गिरा देती है और तलवार नीचे गिर जाती है। यही मौका देखकर इवान उस तलवार को उठाता है। इवान के पास यही मौका था यहाँ से जाने का, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे वो तलवार से एक पोर्टल खोलता है और उसमें कूदकर सीधा अपने दुनिया में आ जाता है, जो देखकर विसलिना गुस्से में इवान का दिया हुआ नेकलेस पोर्टल में ही फेंक देती है। थोड़े समय के बाद डोबरान होश में आता है और इन सारे लोगों को पकड़ता है। वही इवान अब अपने दुनिया में वापस तो आ गया था, लेकिन उसे काफी बुरा लग रहा था कि कैसे उसे अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए थी, इसीलिए वो वापस जाने का सोचता है और उसी वाटर स्लाइड में जाता है। लेकिन इस बार वो सीधा पानी में गिरता है और उसके इस हरकत के कारण उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब जेल में इवान की मुलाकात उसी बुजुर्ग विजर्ड से होती है जो कि तीर लगने के बाद सीधा इसी दुनिया में आ गया था। यहाँ पे इवान विजर्ड से कहता है कि मुझे कैसे भी उस दुनिया में वापस जाना है और विजर्ड भी उसे उसके आगे के जर्नी के लिए मदद करता है और बताता है उस दुनिया में एक कैद खाना है जहाँ पे तुम्हें एक ड्रैगन मिलेगा जो तुम्हारी डोबरान से लड़ने में मदद कर सकता है। जिसके बाद वो विजर्ड उसे कुछ जादुई सैंड देता है जो उसे ड्रैगन को खिलानी होगी। जिसके बाद इवान पुलिस ऑफिसर को ट्रिक करके विजर्ड की जादुई स्टिक हासिल करता है, जिसे विजर्ड एक पोर्टल खोलता है और इवान वापस से उसी जादुई दुनिया में चला जाता है। वहाँ आने के बाद वो सबसे पहले ड्रैगन को ढूंढ कर वो जादुई मिट्टी खिलाता है, लेकिन तभी गार्ड जाकर उसे पकड़कर डोबरान के सामने लेकर आते हैं, जहाँ पे इवान डोबरान पर गोली चलाता है। लेकिन डोबरान अब तलवार की मदद से अमर बन चुका था, इसीलिए गोली का उस पे कोई भी असर नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पे वो ड्रैगन आकर उसके सारे योद्धाओं पर हमला करता है, जिसका फायदा उठाकर इवान पहले जाकर विसलिना को आजाद करता है और उससे माफी मांगता है। इसके बाद वो डोबरान को एक नॉर्मल तलवार से लड़ने के लिए चुनौती देता है, जिस पर डोबरान भी मान जाता है और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे कोशिची को डोबरान के ऊपर काफी गुस्सा आ गया था कि उसने उसे धोखा दिया था, इसीलिए वो असली तलवार में लगे हुए क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिसके कारण वो खुद और डोबरान दोनों भी मारे जाते हैं। अब डोबरान मारा गया है ये देखकर उसकी रानी यानी क्वीन वहाँ से भाग जाती है और वो जाने के कारण उसका जादू भी खत्म हो जाता है, जिससे सभी वॉरियर जो जमीन के नीचे पत्थर में थे वो वापस से जिंदा हो जाते हैं। और इसी में इवान के पिता लाया भी वापस से जिंदा हो जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि क्वीन ने डोबरान के कहने पर ही लाया और बाकी सारे वॉरियर्स को पत्थर का बना दिया था ताकि डोबरान राजा बन सके। अब इवान पहली बार अपने पिता से मिलता है और उसके पिता भी उसके बहादुरी के लिए उसकी काफी तारीफ करते हैं। ये जगह उसे काफी अच्छे लगने लगती है, इसीलिए वो यहीं पे रुकने का फैसला करता है। लेकिन आखिरी बार वो वापस से पृथ्वी पर आता है, जहाँ पे वो हॉस्पिटल में उसी बीमार लड़के को जादू की दवा देकर ठीक कर देता है, जिसके बाद वो इस जादुई दुनिया में आकर विसलिना के साथ एक नई जिंदगी शुरू करता है। मूवी का नाम है द लास्ट वॉरियर। ये एक रशियन फैंटेसी मूवी है जिसे IMDb पर 6.4 की रेटिंग है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।